नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक आयोजन इस जिम्मे में महज अब एक ही दिन का समय शेष रह गया। कोरोना के दो साल बीतने के बाद आयोजित होने जा रहे चार दिवसीय तबलीगी जिम्मे में करीब 10 लाख धर्मावलंबियों के शामिल होने का अनुमान है, जिसको देखते हुए आलमी तबलीगी जिम्मे की तैयारी पूरी हो गई है। ईटखेड़ी स्थित इज्तिमा गाह के बड़े हिस्से में टेंट और तम्बू नजर आ रहे हैं। राजधानी के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में इज्तिमा कमेटी के जिम्मेदारों की आखिरी और अहम बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर मकरन देउस्कर, एडिशनल कमिश्नर सचिन अतुलकर के साथ सभी डीसीपी और एसीपी के साथ थाना प्रभारी शामिल हुए। एडिशनल कमिश्नर सचिन अतुलकर ने बताया कि भोपाल स्थिति को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरा आयोजन दो भागों में बांटा गया है। बैठक में नगरीय के साथ देहात क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि आयोजन में यातायात, रेलवे और बस स्टैंड के साथ जिन थाना क्षेत्रों से आवागमन होना है वहां की व्यवस्था को लेकर चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि बैठक में इज्तिमा कमेटी के जिम्मेदारों के साथ भी विचार विमर्श कर पुलिस के साथ समन्वय बनाने चर्चा की गई। गौरतलब है कि चार दिवसीय आयोजन की तकरीरों में तबलीगी के 6 सूत्रों पर ही बात की जाती है। कहा जाता है कि यहां होने वाले तकरीरों में सिर्फ मौत के बाद जमीन के नीचे की बात की जाती है या फिर आखिरत के हिसाब के लिए होने वाली आसमान के ऊपर की जिंदगी पर चर्चा होती है। दुनिया के मसलों, सामाजिक या राजनीतिक बातों के लिए यहां कोई स्थान नहीं होता। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। और पशुपत मंडी के पीछे वाले गेट से लगा के और करवा चौराहे तक जाए तो ये बेस्ट प्राइस का जो लोड है सर ये कम हो जाता, लेकिन ये रोड अभी मेन हुआ नहीं सर, ये जाने लायक नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ हैं। पुलिस प्रशासन के साथ आपकी बैठक हुई, क्या उसमें तय किया गया है, किस तरह के इंतजाम रहेंगे? भाई, पुलिस वालों ने हमसे ये पूरा प्लान बनाया है, जाने वक्त जाते वक्त का भी क्या प्लान हमने यानी जो बनाया है, और पुलिस वालों ने मिलकर जो हम लोगों ने बनाया है उस प्लान के ऊपर हम चलेंगे, ताकि हमारा हम कोशिश ये होगी कि पैदल जाने वाले और सवारियों से जाने वाले जो हैं वो उसमें आपस में टकराव ना हो, रोड जाम ना हो, इसकी हमें पूरी कोशिश करना है कि रास्ते भी चलते रहें और गाड़ियों को भी सहूलियत मिले और पैदल चलने वालों को भी सहूलियत मिले और इज्तिमा जो है सुकून से हो जाए। ब्रिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम उठा रही थी आप? ब्रिज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ये बात कही है कि हम जिस दिन हमारी जो दुआ के दिन होगा, दुआ के बाद जब गाड़ियाँ वापस आएंगी तो हम उसको वन वे कर देंगे। इतना ही। नीचे करो रोल छपी गई सर। इज्तिमा को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया था, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को? हाँ, ये जो बैठक ली गई थी, जो इज्तिमा चालू हुआ है उसके संदर्भ में थी, जिसमें जो शहर है कमिश्नरेट नगरी पुलिस के और जो देहात क्षेत्र है भोपाल का उसके अधिकारी गण शामिल हुए थे। इसमें जो व्यवस्थाएं की जानी हैं इज्तिमा को लेकर, जिसमें यातायात प्रबंधन है, जो भीड़ का मैनेजमेंट है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की व्यवस्था है, थाना क्षेत्रों जहां से आवागमन होना है उन स्थानों की व्यवस्था है, वाहनों का व्यवस्था है, पुलिस पेट्रोलिंग है, ये सभी के निर्देश संबंधित जो क्षेत्राधिकार है अधिकारियों का उनको दिए गए हैं। और साथ ही इज्तिमा जो कमेटी है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया है, उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको बुलाया गया था और उनके साथ में निश्चित किया गया जिन क्षेत्रों के वो प्रभारी रहेंगे, पुलिस के साथ में जो समन्वय होना था वो किया गया। सर, कितने जवानों की तैनाती की जाएगी वहाँ? ये चूंकि इसमें नगरी पुलिस का क्षेत्र भी है, देहात का क्षेत्र भी है, तो अलग अलग जोन्स में जहाँ पे व्यवस्थाएं लग जानी है वहाँ पे थानावार उसकी व्यवस्थाएं लगाई गई है। साथ ही पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल इसमें प्राप्त हुआ है, देहात क्षेत्र का बल है और मुख्यतः यातायात की जो व्यवस्था उसमें बल लगा हुआ है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।